अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम इंशाल्लाह लाइव एक ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं लेते हैं। तो ये है हमारे क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन, जो जिसके रिलेटेड हमने इमेज क्रिएट करना है। और ये एक सैम्पल है और उसने हमें नीचे बताया है कि सिमिलर और बेटर इमेज। तो ये एक सिंपल ऑर्डर है जो हम अभी इसको क्रिएट करेंगे, इस ऑर्डर को फुलफिल करेंगे आपके सामने। और यहाँ पर ये क्लाइंट की जो है वेबसाइट, यहाँ से हम आइडिया लेंगे कि हमारा जो क्लाइंट है वो किस तरह की इमेज चाहता है। तो ये हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है, तो काम स्टार्ट करते हैं। असल में हमने बेसिकली यहाँ पर एक ब्रोशर क्रिएट करना है, जिसके अंदर उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं या उसके जो भी रेसिपीज़ हैं उनको ऐड करना है, और हमने उनको डिस्प्ले करना है और दिखाना है कि जी इस कंपनी में या इस बेकरी में ये आइटम्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम इसके लिए फर्स्टली यहाँ पर क्रिएट करेंगे हम अपनी वर्क प्लेस। ओके, तो सबसे पहले हम जो अपनी आइटम्स हैं जो हमने जिनकी पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है, तो सबसे पहले हम वो डाउनलोड कर लेते हैं। हम गूगल पर जाएंगे और सबसे पहली आइटम है हमारी ऑर्गेनिक कोकोनट फ्लोर। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कोकोनट फ्लोर सर्च करेंगे और साथ लिख देंगे PNG। इससे ये होगा कि हमारी जो इमेजेस आएंगी वो मोस्टली PNG इमेज होंगी, जो मोस्टली क्रॉप्ड होती हैं साइडों से। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ये इमेज, ये वाली मेरा ख्याल है कि ये वाली इमेज ठीक है। तो हम इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आइटम हम सर्च करते हैं फ्री रेंज एग्स। ओके, ओके, जो इमेजेस हमें चाहिए थी वो हमने तमाम सेपरेट टैब्स में ऑन कर ली हैं। तो अब हम इन्हें डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम में सेव करेंगे। ओके, तो दोस्तों हमारी जितनी भी इमेजेस थी जो हमने कंटेंट डाउनलोड करना था वो कर लिया इंटरनेट से। तो हमें उसकी कटिंग नहीं करनी फिलहाल फोटोशॉप के अंदर, चूँकि हमें जस्ट सिंपल इमेजेस चाहिए। हम उन्हें खुद से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो हम अपने ब्रोशर का लेआउट क्रिएट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम पिंसल टूल सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट कमांड है N। ओके, ये मैंने इसलिए क्रिएट किया चूंकि हम बेकरी के आइटम्स बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन करेंगे ताकि इमेज जो है फीलिंग भी बेकरी की टाइप की दे। तो खैर, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनकी जो है ये डाउनलोड करेंगे लोगो। तो हम यहाँ पर भी ये लोगो जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी इमेज।
और हम इलस्ट्रेटर में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम ट्रेस कर लेंगे इमेज को। तो मेरे पास इनका लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। डीज फॉर तो ये मैंने एक फाइल ऑलरेडी इनकी क्रिएट की थी, तो हम यहाँ से लोगो को रिप्लेस कर लेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। चलिए लोगो भी हमारे पास आ गया। अब हम फर्दर डिज़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्टली एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे इस तरह। एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस सी, और इसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे इस तरह, और इसे भी थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। ओके, इसको हम अलाइन कर देते हैं। तो अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, एक और क्रिएट करेंगे हम बॉक्स। ओके, ये वेक्टर हम एक और क्रिएट करेंगे। तो इसको हम शिफ्ट से ऊपर लेके जाएंगे और ऑल्ट प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इमेज को कॉपी कर लिया है। तो हम यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। ओके, ड्रॉप किया हमने इसको और हमारी इमेज कॉपी हो गई। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर, आई थिंक। ओके, अब हम अपने इमेजेस को ऐड करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जाएंगे और हमारी इमेजेस यहाँ पर पड़ी हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कोकोनट फ्लोर जो है वो उसकी इमेज लगाएंगे। तो हमारे पास ये है ऑर्गेनिक कोकोनट, इसको हम उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पर हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे, एल उसकी शॉर्टकट कमांड है। ओके, दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाकर इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे। ओके, डबल क्लिक करेंगे इसको एडिट करने के लिए, और हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह। ओके, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे, आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना सर्कल। ओके, इसी तरह अब हम दूसरे सर्कल्स भी क्रिएट करेंगे और उन सब में अपनी इमेजेस को ऐड करते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हमें इस सर्कल के अंदर दोनों इमेजेस को ऐड करना है, ये वनीला एसेंस की और इसी तरह ये जो इसके अंदर स्वीटनर्स की एक इमेज है। तो फिलहाल हम इसे रिलीज करेंगे क्लिपिंग मास्क को, और फर्स्टली हम इन दोनों को, दोनों इमेजेस को ग्रुप करेंगे, देन हम इसे पावर क्लिप करेंगे। तो हम यहाँ पर इस इमेज को ग्रुप कर लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा आप कर देते हैं। ओके, इन दोनों इमेजेस को हम राइट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे, देन हम इन्हें अरेंज करके सेंड बैक करेंगे और अब हम इन्हें क्लिपिंग मास्क करेंगे। ओके, तो चूंकि हमने इस सर्कल के नीचे दो चीज़ें लिखनी है ना, एक वेनिला एसेंस है और दूसरा स्वीटनर्स, तो हमें दो इमेजेस ऐड करनी थी। तो इस तरह हम दो इमेजेस ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमारा जो कंटेंट है वो आ चुका है। अब बाकी टाइपोग्राफी हमने करनी है, वो हम अपनी इलस्ट्रेटर के अंदर ही करेंगे। तो खैर,
फिलहाल हम यहाँ पर अपनी जो इमेजेस हैं उनको ऐड करते हैं। ओके, इनको हम अलाइन करेंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर, सेंटर वाले को। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम अपने ये इस पट्टी को सिलेक्ट करेंगे, और चूंकि हमने पट्टी के अकॉर्डिंग इसको सेंटर अलाइन करना है, तो हम पट्टी को अगेन एक और मरतबा सिलेक्ट करेंगे, तो ये हाईलाइट हो जाएगी। अब हम यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ओके, अब हम डिज़ाइन करते हैं थोड़ा सा, और हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पेन टूल और ओके, ए से सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन, और इस पॉइंट को हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। ओके, आउटलाइन इसकी हम बढ़ा देंगे और आउटलाइन को कलर हम देंगे येलो। ओके, अगेन हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। ओके, अब हम इसी लाइन को अगेन डुप्लीकेट करेंगे आल्ट की कमांड से। ओके, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, और अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और अब हम इसे कर देंगे रोटेट। हमने इसको इस तरह रोटेट करना है, तो 180 डिग्री तक हम इसे रोटेट करेंगे। प्रीव्यू देख लेते हैं हम, ये देखें। ओके, ये हम ओके कर देते हैं और अपनी लाइन को, अब हम यहाँ इसको फिट कर देते हैं अपने डिज़ाइन के साथ। ओके, अब हम इन तीनों सर्कल्स को राइट क्लिक करके फ्रंट पे ले आते हैं। ओके, लेंज अगेन हम इन लाइंस को राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे और इनको हम नीचे भी इसी तरह पेस्ट कर देंगे। ओके, और इन सर्कल्स को भी हम राइट क्लिक करके फ्रंट पे ले आएंगे। कंट्रोल एस करेंगे सेव करने के लिए। ओके ओके, अब हम इनके नेम्स को एडिट करेंगे इनके नीचे, तो हम इनके नेम्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, इनको हम फॉन्ट देंगे, फ़ॉन्ट देंगे हम यहाँ पर एनी फॉन्ट, इसके नाम से एक फॉन्ट है। तो चूंकि हमने जिस तरह का डिज़ाइन करना है उसी हिसाब से हमने टाइपोग्राफी भी करनी है, तो इस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट हम चूज़ करेंगे, जिस तरह हम यहाँ पर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट लगाया। ओके, थीम को हम इसी तरह कंटिन्यू करते हैं, तो अब हम इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कोकोनट फ्लोर को, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। ओके, हमने जस्ट इनके नेम्स एडिट करने हैं, तो हमें जस्ट इनके नेम्स को यहाँ से कॉपी करना है, एफ को बड़ा करेंगे और यहाँ से हम इसे भी कट कर लेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे।
तो हमने नेम्स को अलग कर लिए हैं, अब हम इन्हें इनके अंदर नीचे अलाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो नेम्स हैं वो अपने आइटम्स के वो भी ऐड कर दिए हैं। तो फर्दर हम इसके टाइटल को, बैकग्राउंड को और बॉटम को डिज़ाइन करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और भी चीज़ है, हम अपने थीम को एज इट इज़, जिस तरह इनकी वेबसाइट है इस तरह रखेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे इनके यहाँ पर ऑरेंज कलर की पट्टी और नीचे लाइट येलो है, तो इसी तरह हम जो है ना कलर स्कीम भी इसी तरह रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, रेक्टेंगल। शॉर्टकट कमांड है रेक्टेंगल की, एम। ओके, अब हम रेक्टेंगल और हम अपने इस एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एक टूल सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है शेप बिल्डर टूल, और इसकी शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट प्लस एम। तो अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये डॉटेड एरिया हो गया, इसका मतलब है ये एरिया सिलेक्टेड है। तो हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, नीचे वाली जो दोनों लाइंस हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस एरिया को हम कलर देंगे लाइक जैसा कि उनका थीम कलर है ये वाला। ओके, आउटलाइन हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से, बॉक्स की आउटलाइन भी ख़त्म कर देंगे। ओके, लोगो को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर कर देंगे। ओके, बॉक्स को कलर देंगे हम लाइक ऑरेंज। मेरा ख्याल है कि बॉक्स को हम ये वाला कर देंगे और इसको हम ऑरेंज कलर से देंगे इस तरह। ओके, अब ये हमारा टाइटल है और अब हम टाइटल को एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर इसकी फॉन्ट चेंज करेंगे, ये ठीक है। ओके, डार्क ब्राउन कलर जिस तरह हमने लोगो को दिया था। ओके, थीम को कंटिन्यू करते हुए हम इसका टाइटल भी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ इस बॉक्स को और इनको कॉपी कर लेंगे, अगेन डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर और इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ओके, अब आउटलाइंस को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसकी जो हम ये कॉर्नर्स हैं इनको भी थोड़ा सा राउंडेड शेप में ले आते हैं। तो हम इसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए ए शॉर्टकट कमांड है और यहाँ से हम इनको थोड़ा सा राउंड शेप में ले आते हैं। ओके, ठीक है। ओके,
अगेन हम इस बॉक्स को थोड़ा यहाँ पर लेके आकर अगेन डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर, और इसको हम कलर देंगे ऑरेंज, इसको हम नीचे ले जाएंगे इस तरह। ओके इन सब को थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास रेंज है काफी यहाँ पर, और हम अपने टाइटल को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ओके इसको ग्रुप करते हैं कंट्रोल प्लस जी के साथ, और हम इसे अलाइन कर देते हैं सेंटर। अब हम अपने टाइटल को इसमें लेकर आते हैं और इसको हम वाइट कलर देंगे। तो हमारे पास गाइस जो मेन टाइटल है वो है कीटो लो कार्ब। तो कोकोनट जो है ये सेकंड लाइन है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन जिस थीम पे चल रहा है उस थीम में हम इसे एक ही लाइन में नहीं ऐड करते कर सकते। तो कोकोनट ब्राउनीज को हम थोड़ा इनकी जो है वो कम कर देते हैं, साइज़ 36 इनफ है आई थिंक। इसको अंदर ऐड करेंगे इस तरह। ओके ये जो हमारी लाइंस हैं ये काफ़ी मध्यम हो चुकी हैं, इनको हम हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इस वक्त ग्रुप्ड है। तो ग्रुप में अगर किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करें, और ये हमारी लेयर्स क्रिएट हो चुकी हैं, ग्रुप ओपन हो चुका है। अब अगेन हम यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अपनी आउटलाइन इंक्रीज करेंगे। ओके इतना ये इनफ है। तो यहाँ से हम बैक वन लेवल करेंगे और अगेन बैक लेवल करेंगे, तो हमारी ग्रुप जो है वो अगेन अपनी मेन शेप में आ जाएगा। ओके लो कार्ब को हम ओके लो कार्ब की ओके टाइटल की लाइन स्पेसिंग को थोड़ा और कम कर देते हैं हम। यहाँ करेक्टर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग 32-33 पॉइंट्स तक ले आएंगे और इसे हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे। ओके तो फ्रेंड्स ये हमारा एक ब्रोशर है कंप्लीट हो चुका है। हम इसमें एक और चेंज करेंगे, इन सब सर्कल्स को सिलेक्ट करेंगे और अब हम इन्हें स्टेलाइज में जाकर ड्रॉप शेडो पे लेके जाएंगे और यहाँ पर इन्हें हम शेडो देंगे। मेक श्योर कि आपका एक्स वाई ऑफसेट बोथ ज़ीरो हों। ओके और हम यहाँ पर जो कलर है वो ऑरेंज देंगे। ओके नॉर्मल ओपेसिटी 100% कर देंगे। ओके आई थिंक ये 6% इज इनफ। ओके फ्रेंड्स ये देखें हमने अपने सर्कल्स के इर्द गिर्द जो है एक ब्लर सा ऑफसेट दिया है। तो हमारा जो ब्रोशर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम इन्हें एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बनाऊंगा उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह अगर हम ऑर्डर को फुलफिल करना है तो किस तरह थीम सिलेक्ट करते हैं, किस तरह कलर स्कीम सिलेक्ट करते हैं, और किस तरह हम अपनी जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करते हैं, किस फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं, और किस तरह हम अपनी इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे, और किस तरह हम अपने क्लाइंट को इसकी सोर्स इमेज या PNG या JPEG देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।